कुंजा वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तहसील प्रेस क्लब कुंजा के सामने जबरदस्त एहतजाज हुआ, जिसमें कुंजा की मुमताज सियासी समाजी मजहबी और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि हजरत इमाम हुसैन का कौल है, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से निकलोगे उतना ज्यादा नुकसान उठाओगे। कि जब हम बिजली की कीमत अदा करते हैं, बिल पे लिखा होता है बिजली की सरफशुदा यूनिट की ये कीमत है, तो जब हम कीमत अदा कर चुके हैं तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की बदमाशी या साजिश क्या है, ये हिकमत क्या है? कि मुझे तो ये साइकी समझ में नहीं आई। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो गरीब आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है इसको रोका जाए, और जो जितने नजायज टैक्स बिलों के साथ लगाए जा रहे हैं इनको खत्म किया जाए। बात यह है कि जो ये वक्त चल रहा है, इस वक्त में ये बहुत ज्यादा टैक्सी और महंगाई का दौर हो रहा है, आवाम के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। तो हमारी हुक्मरानों से अपील है कि मेहरबानी करके शफकत करें इस गरीब आवाम पे और इन टैक्सेस को खत्म किया जाए। शुक्रिया। आवाम पे जेडे बिला जवाब टैक्सेस ला रहे ने, साडा सारिया तंजीमां दा इकट्ठा होके अहकामे पाला तक ये अपनी आवाज पहुंचाना है, क्योंकि साडी 50 दी आवाम बिल्कुल सौ गई है। बापटा के एक दोस्त ने पोस्ट लगाई थी कि आप हमारे खिलाफ बात ना करें, हम तो उनकी पॉलिसियों को लागू करते हैं। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हम भी उनके गरीबानों तक हाथ लेके जाना चाहते हैं। आप रस्ते में सिक्योरिटी गार्ड का किरदार अदा ना करें। हमारा मुतालबा ये है कि ये टैरिफ सिस्टम जो है, ये जालिमाना स्लैब सिस्टम जो है, इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, और 250 अरब की बिजली जो इन अलल्ले तलल्लों को मुफ्त दी जा रही है इसको खत्म किया जाए। और उन्हें ये बताएं कि उनकी करप्शन के बिल हम नहीं भर सकते, उनकी अयाशियों के बिल हम नहीं भर सकते। इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को, हमारे हसमून पसीने की कमाई को लूट कर जो बैरून मुल्क जाकर जायदादें बनाते हैं, अपनी जागीरें बनाते हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को बैरून मुल्क जाकर सेटल किया हुआ है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम आवाम हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। आवाम बुलबुला उठी है, इस सूरत बिजली के बिलों का बिल किया जा रहा है कि आवाम का कतल, और कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई जी ब्यूरोक्रेसी आनी तनखावा ला रही है, किस तरह बिल भेज रही है। एक बंदे की तनखा 24,000 है, उन्होंने बिल ही 10,000 आ जाने, तो उन्हें बाकी खराजात कितने पूरे करने ने। मैं कामे पाला और खास तौर पर जी निगरान गवर्नमेंट आई है उसे अगे अपील नहीं करांगा, बल्कि उन्होंने कहांगा अगर तुम साडी गल ना सुनी तो फिर मैं तुम्हें दसना चाहना अपने तजर्बे की रूह जी तुम्हें चिंगारी दिस रही है बदती जानी है। आपस में तफक्के भुलो, भूल कर मुल्कों कौम की खातर इकट्ठे हो। खुदा ने आज तक और कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। और एक फिलासफर है, उसका कौल है कि जमाने के मुंह पे तमाचा मार के, जमाने के मुंह पे तमाचा मार के अपने हिस्से की खुशियां समझ लो, लेकिन ये ना हो ये खुशियां किसी और के हिस्से की हो। एक बार फिर मैं यहाँ पर जो तशरीफ लाए हैं, शुरका इजाद जितने भी लोग लाए हैं, मैं उनका सबसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा, तो उनका सह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान। हुकूमत अपनी अय्याशियों पर मुल्को कौम का पैसा जाया करना बंद करे और मुल्क की लूटी हुई रकम बाहर से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में लाए तो हमारी IMF से जान छूट सकती है और मुल्क भी तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। हर लम्हा हर खबर शान से।